बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक विच इज़ रिलेटेड विद फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, चैप्टर नंबर वन। और इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनके डिफरेंसेस हैं, वो क्या है, एम्पेरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्पेरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, इनके दरमियान डिफरेंसेस चेक करेंगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूले को हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी कहते हैं, सादा तरीन फॉर्मूला। ठीक है, जस्ट डेफिनेशन पहले, इसके बाद समझते हैं क्या है। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कंबाइनिंग एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पेरिकल और सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला जो कि किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स के दरमियान जो कंबाइन हो रहे हैं उनके दरमियान सादा तरीन निस्बत, सिंपलेस्ट रेशो, एम्पेरिकल रेशो को जाहिर करे, ये कहलाता है एम्पेरिकल या सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सेकेंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद अनासिर की सही तादाद, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताए, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से हमने डिफाइन किया और इसके दरमियान डिफरेंस क्या है। अब कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है, कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए, इथाइन, बेंजीन, ग्लूकोज, वाटर, मीथेन, इनके एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे हुए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले देखते हैं फॉर एग्जाम्पल कि एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। अब हम अगर देखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूले लिखे हुए तमाम कंपाउंड्स के जो यहां मौजूद हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें पहले इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड में। इथाइन में कार्बन हाइड्रोजन, बेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन, ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन। दूसरी बात, ये क्या बता रहा है, एक रेशो, कौन सा रेशो, एक पोर्शन कार्बन का है, एक पोर्शन हाइड्रोजन का, 1:1 रेशो बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, ये बता रहा है 1:1 रेशो बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन बेंजीन में। ग्लूकोज में 1:2:1, वाटर में 2:1 और मीथेन में 1:4। तो इसका मतलब जितने भी कंबाइनिंग एटम्स या एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान ये रेशो क्या बता रहा है, ये बता रहा है सिंपलेस्ट रेशो को। सेकंड बता रहा है किस चीज़ को, ये सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तीसरी बात, अगर हम CH लिख दें CH और पूछा जाए भाई ये CH फॉर्मूला किस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला है, आया कि ये CH इथाइन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है या ये बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसका मतलब कुछ कहेंगे इथाइन, कुछ कहेंगे बेंजीन, कुछ खामोश रहेंगे। तो इसका मतलब हमें मसला है, क्यों, इथाइन का भी मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है और बेंजीन का भी मॉलिक्यूलर वो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH है, दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है। इसका मतलब बाय यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला वी कैन नॉट आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल हम नहीं कर सकते बाय यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूले के जरिए हम कंपाउंड या मॉलिक्यूल की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। वजह क्या है, दो मॉलिक्यूल के एम्पेरिकल फॉर्मूले सेम हो सकते हैं। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूले दो कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल के सेम है तो हम दोनों मॉलिक्यूल दोनों कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन शनाख्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला की इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेकंड क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब ये कंपाउंड्स के लिखे हुए मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास, इथाइन C2H2, बेंजीन C6H6, ग्लूकोज C6H12O6, वाटर H2O, मीथेन CH4। पहले इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं,
कार्बन हाइड्रोजन, जिस तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें बता रहा था कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसी तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा है, पहली इंफॉर्मेशन दे रहा है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहली इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं कंपाउंड या मॉलिक्यूल में। अब एक चीज और, अब देखिए इसमें अगर रेशियो निकालें, दो कार्बन दो हाइड्रोजन 2:2 का रेशियो, डिवाइड करें 2 से तो क्या बनेगा 1:1। इसी तरह 6:6 का रेशियो है बेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन का, डिवाइड करें 6 से 1:1। इसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका रेशियो ग्लूकोज में कितना है 6:12:6, डिवाइड करें 6 से तो क्या बनेगा 1:2:1। वाटर में 2:1 का रेशियो है, मीथेन में 1:4 का रेशियो है। तो हमें ये रेशियो दे रहा है, दो रेशियो दे रहा है, जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला एक रेशियो दे रहा था। जो एक रेशियो था वो क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अब ये जो दो रेशियो दे रहा है, ये दो रेशियो क्या दे रहा है, एक रेशियो तो दे रहा है सिंपलेस्ट रेशियो, इसका मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सिंपलेस्ट रेशियो दे रहा था, तो ये भी क्या दे रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो। ये सेकेंड रेशियो कौन सा है 2:2, ये दे रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअली कितने एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन दो कार्बन और रेशियो कितना 1:1। इसी तरह बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसका मतलब ये बता रहा है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल में अनासिर की सही तादाद बता रहा है। थर्ड, अगर हम एक और देखें फोर्थ, अगर हम लिखें C6H6, ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यकीनन बेंजीन का, बगैर सोचे समझे हमने देखा आंसर बता दिया बेंजीन। और इसी तरह C2H2 किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इथाइन का। इसका मतलब जब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा तो हम फौरन बता रहे कि ये इथाइन का है या फिर बेंजीन का है, जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने पर सोचना पड़ रहा था कि ये बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है या इथाइन का या दोनों का है। तो बाय यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन या शनाख्त नहीं कर सकते, लेकिन बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी कैन ईजली आइडेंटिफाई मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पॉसिबल है। तो अब जरा डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं और डेफिनेशन पे आ जाते हैं वापस। एक ऐसा फॉर्मूला जो कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो को जाहिर करे, सादा तरीन नस्बत को, एम्पेरिकल रेशियो को, सिंपलेस्ट रेशियो को जाहिर करेगा, ये कहलाएगा हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल और सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट की सिंपलेस्ट रेशियो को जाहिर करे, ये कहलाता है हमारे पास एम्पेरिकल या फिर सिंपलेस्ट फॉर्मूला। जबकि सेकेंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ये डिफरेंस बेसिक हो गया, तो द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में मौजूद अनासिर की एलिमेंट्स की सही तादाद बताए, तो ये फॉर्मूला कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये तो बेसिक डिफरेंस आपको डेफिनेशन वाइज क्लियर हो गया। अब डिफरेंस और लेते हैं बहुत सारे। पहली बात, टू कंपाउंड्स कैन हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, दो कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, लेकिन टू कंपाउंड्स डजंट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी सेम नहीं हो सकता, हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट। एक डिफरेंस ही हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हमारे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूले के जरिए हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई
मॉलिक्यूल और कंपाउंड बाय यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। हम एम्पेरिकल या सिंपलेस्ट फॉर्मूले के जरिए किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन शनाख्त नहीं कर सकते, लेकिन बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी कैन ईजली आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल और कंपाउंड। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जरिए हम बहुत ही आसानी के साथ कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज हो सकती है कि एक कंपाउंड अगर है तो उसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। एम्पेरिकल अलग होगा और मॉलिक्यूलर डिफरेंट होगा। लेकिन किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी हो सकता है, जस्ट लाइक वाटर। वाटर का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसी तरह मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एक कंपाउंड का एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, दो कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, लेकिन दो कंपाउंड का कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली डिफाइन कर दिया एम्पेरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसकी एग्जांपल्स कर ली। एग्जांपल्स के दरमियान हमने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली और इन्फॉर्मेशन के जरिए हमने डिफरेंस कर लिया कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डेफिनेशन विद डिफरेंसेस डिफरेंशिएट समझ में आ गए होंगे। If you have any sort of query or या question, तो आप लोग मुझे ज़रूर comment कीजिएगा। तो जब तक अपना ख्याल रखें, till then Allah Hafiz।